नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री जीके के बारे में, रसायन विज्ञान। तो इसमें हम लोग अभी तक 13 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। 13वां चैप्टर था धातुएं और उनके यौगिक। अब इसमें बात करने वाले हैं हम लोग अधातुएं और उनके यौगिक। तो याद रखिए, अभी तक जितने भी चैप्टर खत्म करते जा रहे हैं वो जनरल साइंस के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डालते जा रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखना, केवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो याद रखना, हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है? हाइड्रोजन। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है कौन सा है? हाइड्रोजन। वह है तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं, कौन सा है? तो याद रखना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3। कौन से हेलोजन का उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? आयोडीन। पराध्वनिक जेट किस प्रकार की प्रदूषण फैलाता पैदा करता है? O3 परत को पतला करके, ओजोन परत को पतला करके। पाइराइट ऐश को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? पैलेडियम। पैलेडियम तथा प्लेटिनियम प्लेटिनम के समान धातु विशेष परिस्थिति में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती है। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाती है? आधिकारिक हाइड्रोजन। जल एक उत्तम विलायक है क्योंकि इसका डायलेक्टिक स्थिरांक अधिक है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर क्या होता है? बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन के। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। क्रायोजेनिक द्रव कौन सा है? द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? याद रखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक कौन सा है? NaCl3। किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? यूरिया। आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO। प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो तड़ित के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। एक सामान्य वायुमंडलीय गैस गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक ड्रग प्रज्ञा विकसित हुआ। इसकी खोज पर वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में
नोबेल पुरस्कार की भी प्राप्त हुआ, यह कौन सी गैस है? नाइट्रिक ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूम में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? CO2। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है, क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देता है। कौन सी गैस पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का। आगे बात करते हैं, संगणकों कंप्यूटर की आईसी चिप्स पर किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से। किंतिम हीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्ज में कौन से दो तत्व होते हैं? सिलिकॉन व ऑक्सीजन। विभिन्न प्रकार के कांच का निर्माण प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? सिलिका। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि इस सिलिका जेल नमी सोखती है। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की अथवा भारी हवा से हल्की है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है? पीला या श्वेत फास्फोरस। दिया सलाई सलाइयों के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? लाल फास्फोरस। हड्डियों व दांतों में लगभग 50% क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? Na2+SO2। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा से। अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। हेवर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया का। हेवर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? लोहा। अमोनिया का एक क्षारीय गुण बताइए। इसके जलीय विलयन में लाल लेटमस नीला हो जाता है। जल में आसानी से घुलनशील गैस कौन सी है? अमोनिया। घरेलू पिसितक में सामान्यतः कौन सा पिसितक प्रयोग होता है? अमोनिया। पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर से निकलने वाला धुआं किसका होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। एक अज्ञात गैस जल में घुल शीघ्रता से घुल जाती है। गैस संयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? NH3। हेवर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए उपयुक्त दशाएं कहें? उच्च दाब व निम्न ताप। अम्ल राज में नाइट्रेट अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात होता है 1:3। ठीक है, याद रखिए 1:3। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या है? P4। फास्फोरस का सबसे स्थायी अपर रूप कौन सा है? लाल फास्फोरस। युद्ध में धुएं का पर्दा बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? PH3 का। किस गैस को प्राण वायु कहते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की? प्रिस्टले। कौन सा एक तत्व अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन।
मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? जल से। गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम का। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? हीलियम ऑक्सीजन। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त तो ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम। ठीक है, याद रखिए। फास्फोरस के अपर रूपों में कौन स्फूर्तिदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा शांत विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? फॉस्फीन। मानवस्थि का मुख्य तत्व क्या है? फास्फोरस। पक्षियों की हड्डी का पाउडर उर्वरक के रूप में काम लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है फास्फोरस से। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का उपयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? H2SO4। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है, जो अंडे जैसी गंध देती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो H2S। पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग कैसा हो जाता है? हरा। आगे बात करते हैं, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन गैस में जलती हुई संठी ले जाने पर क्या होता है? वह तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व तो पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स। वह एक कौन सी गैस है? पायरोगिलोल की क्षारीय विलयन से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है ऑक्सीजन। किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है? तो याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव करती है? पराबैंगनी किरणों से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है? सड़ी मछली की तरह। गंधक का अणुसूत्र क्या है? S8। गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? 8। उबलती हुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्राप्त होता है प्लास्टिक गंधक। किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? SO2। वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? SO2। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से क्या होता है? SO2। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग कैसा होता है? हरा। एक शुष्क सेल में मुख्यतः किसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। रसायनों का सम्राट कौन कहलाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कशिश का तेल किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ओलियम किसे कहते हैं? सादोम सल्फ्यूरिक अम्ल को। चीनी पर सांद सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का क्या होता है? निर्जलीकरण हो जाता है। कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है H2SO5। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है H2H2H2O8। कौन सा हेलोजन तत्व जीनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? फ्लोरीन। टेफ्लॉन में पाया जाने वाला हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? 17।
आगे बात करते हैं, क्लोरीनीकरण क्या है? संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना। किसका उपयोग व्यंजन में किया जाता है? क्लोरीन का। किस हेलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणु नाशक के रूप में किया जाता है? क्लोरीन का। कौन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन। अम्ल वर्षा में साधारणता किसकी अधिकता होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है? कार्बन। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या नाम है, का अम्ल अन्य नाम क्या है इसका? म्यूरिएटिक अम्ल। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है एस्टेटिन। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया क्यों नहीं करती है? क्योंकि इनमें पूर्णता युग्मित स्थायी कोष है। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय क्यों होती हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है तथा उनका आयनन प्रभाव अधिक होता है। वायु यान के टायरों में भरने में किस गैस का उपयोग होता है? हीलियम का। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? दो प्रोटॉन तथा दो न्यूट्रॉन। मौसम विज्ञान संबंधी विक्षेपण के लिए किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है? हीलियम। क्या? हीलियम। चलिए अब बात कर लेते हैं अम्ल, उनके प्राकृतिक स्रोत और औद्योगिक निर्माण की विधि और उनके उपयोग। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश प्राकृतिक स्रोत है इसका, औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा सीसा कक्ष व संपर्क विधि द्वारा। इसका प्रयोग होता है पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग औषधियाँ बनाने में, संचायक बैटरियों में। थ्रेड नाइट्रिक अम्ल इसका प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी व सोरा। इसका औद्योगिक निर्माण विधि है साल्ट पीटर व वर्क लैंड आइड विक्रम द्वारा। औषधियाँ उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रंग व औषधि बनाने में, अम्ल राज बनाने में इसका प्रयोग है। एसिटिक अम्ल फलों का रस व सुगंधित तेलों में होता है प्राकृतिक, और इस औद्योगिक निर्माण की विधि है एसिटिली से सिरका से। इसका उपयोग होता है विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में व खट्टे पदार्थ बनाने में। फार्मिक अम्ल लाल चींटियाँ वर बिच्छू में। इसका उपयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में, फलों के संरक्षण व रबर के स्कंदन में, चमड़ा व्यवसाय में। ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है प्राकृतिक स्रोत है इसका, सरल का वृक्ष और औद्योगिक निर्माण की विधि है सोडियम फार्मेट। इसका उपयोग होता है फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में, चमड़े के व्यंजन में। बेंजोइक अम्ल घास व पत्ते व मूत्र में। इसका औद्योगिक निर्माण की विधि है विनाइल क्लोराइड। दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में कच्चे शर्करा के किण्वन से इसका निर्माण होता है, और इसका उपयोग होता है धातु को साफ करने में, खाद्य पदार्थ व दवाओं के बनाने में व कपड़ा उद्योग में। आगे बात करते हैं, साधारण द्रव उच्च तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन द्रव नाइट्रोजन, जल द्रव हीलियम तथा पेट्रोल में कौन सा द्रव गिलास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ सकता है? द्रव हीलियम। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए, ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम। गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता में दी जाती है क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियोन।
एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? ऑर्गन से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। वायुमंडल में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं पाई जाती है? रीडॉन। ठीक है, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनॉन। हीलियम की खोज किसने की? लोकेयर। कैंसर को उपचार के लिए उपयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रीडॉन। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में जिस देश का सर्वाधिक योगदान है वह है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ उपस्थित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। भारी पानी की खोज किसने की? एच सी यूरे ने। किसको स्टेंजर गैस भी कहते हैं? जीनॉन को। कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल का मृदुकरण। तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक है? SO2। विसंक्रमण के बाद जल में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट क्लोरीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। जल का शुद्धतम रूप हो कौन सा है? अशुद्ध जल। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती? अपचयन। वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती? यह सबसे हल्की गैस होती है। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूपृष्ठ के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्रया किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। हीरा का कैरेट किसके बराबर होता है? 100 mg के, सॉरी 200 mg। फॉस्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। स्फटिक किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। वह कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? क्लोरीन। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के क्या है? अपर रूप। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? अपर रूप। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपर रूपता। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं? कार्बन के। यही बात करते हैं, कुछ तत्व उनके अपर रूप, एक तत्व हो गए ये अपर रूप हो गए। कार्बन की बात करें तो हीरा, ग्रेफाइट को कोलतार। सल्फर की बात करें तो रोबिक, मोनोक्लाइनिक, एमार्फस कोलाइडी तथा प्लास्टिक सल्फर। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन और ओजोन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और वी नाइट्रोजन। फॉस्फोरस में पीला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, स्कारलेट फॉस्फोरस तथा बैगनी फॉस्फोरस। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। भारी जल का अणुभार क्या है? 20। भारी पानी क्या होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका समस्थानिक ले लेता है? भारी जल क्या है? एक प्रकार के बंधक। बालों की ब्लीचिंग में क्या प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए क्या काम आता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। कार्बन क्या है? अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। कार्बन परमाणु में क्या होता है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? कार्बन। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन या रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा। आगे बात करते हैं, समुद्र
जल वर्षा के से अधिक लवण युक्त तो होता है क्योंकि नदियां अपने साथ लवण बहाकर लाती हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा होती है? CaMgKy कार्बोनेट्स के कारण। जल के स्थायी कठोरता का क्या कारण है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड्स तथा सल्फेट। भार के अनुपात में जब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 1:8। ठीक है, आगे देखते हैं। 10 मोल जल का द्रव्यमान क्या है? 180 ग्राम। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? हाइड्रोजन आबंध के कारण, आबंधन के कारण। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो याद रखना 71% भूभाग पर। पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणु नाशन किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा। पोटेशियम परमैंगनेट का जल के लिए क्या उपयोग है? कीटाणुओं रहित बना देता है। कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? पीट। सामान्य किस्म का कोयला किसे कहते हैं? बिटुमिनस। उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथेसाइट। विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। कौन सी गैस जो गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नीली ज्वाला के साथ जलने वाली कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन से तत्व में सर्वाधिक संकलन गुण दिखाई देते हैं? कार्बन। हीरे का जवाहर के रूप में उपयोग उसके किस गुण के कारण होता है? याद रखना उस गुण पर निर्भर करता है अपवर्तनांक। हीरा का जवाहरात में उपयोग के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? तो याद रखना अपवर्तनांक। किसको कार्बो रैंडम के नाम से जाना जाता है? SiC। कोयले के किस एक प्रकार में शेष प्रकारों की अपेक्षा कार्बन का 50% अधिक कार्बन होता है? एंथेसाइट। किसको भूरा कोयला कहा जाता है? लिग्नाइट को। मुलायम कोयले के नाम से किसे जाना जाता है? बिटुमिनस को। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव बदल जाती है? हाइड्रोजन। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? विभेदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है। यह धुआं किसका होता है? NO2 का। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ क्या होती है? ग्रेफाइट की। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। नाभिकीय रिएक्टरों में किस मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखना ग्रेफाइट को। पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है? ग्रेफाइट। वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वातावरण में कौन सी गैस कम होती है? CO2। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग करते हैं? फ्लैंट कांच का। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? हीलियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थान को क्या कहते हैं? ट्राइटियम।
सुपर फास्फोरस उर्वरक हरे पौधे को स्वस्थ रखने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। पौधे फास्फोरस की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं कर सकते। इसकी कमी से पहले पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं या फास्फोरस प्राप्त ना हो पाए तो अंततः पौधे मर जाते हैं। फसल की पैदावार भी मृदा में फास्फोरस में उपलब्धता पर निर्भर करती है। पौधे केवल फास्फोरस के घुलनशील यौगिकों को उपयोग कर सकते हैं। अतः उर्वरक उद्योग उन उर्वरकों को बनाने में लगे हुए हैं जिनमें फॉस्फेट आयन हो। फॉस्फेट उर्वरक फॉस्फेट चट्टान से बनते हैं जिसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है। कैल्शियम फॉस्फेट की सल्फ्यूरिक अम्ल की उचित मात्रा के साथ अभिक्रिया से सुपर फॉस्फेट बनता है। इनका उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। यही बात कर लेते हैं कुछ अधात्विक खनिज व उनके उपयोग। तो जैसे क्वार्ट्ज, इसका उपयोग होता है कांच, रेग माल, टेलीफोन, रेडियो, घड़ियां आदि बनाने में। फेल्सपार, चाइना डिश, फारसी लैंड के निर्माण में। अभ्रक, विद्युत स्त्री, विद्युत मोटर, विद्युत टोस्टर आदि विद्युत संधित्वों में विद्युत रोधी के रूप में। सेंधा नमक, भोजन में साधारण नमक, खाद्य परीक्षण, रसायन उद्योग के लिए कच्चा माल। जिप्सम, सीमेंट एवं प्लास्टिक और पेरिस के निर्माण में। सेल खड़ी, टेलकम पाउडर बनाने में। पिच ब्लेंड, नाभिकीय ईंधन का विरचन कम करने में। मोनाजाइट, बीडर रिएक्टर के लिए नाभिकीय ईंधन में। तो यही था हमारा 14वां चैप्टर। बात करेंगे अब 15वें चैप्टर में हम लोग मानव निर्मित पदार्थ, ठीक है, मानव निर्मित पदार्थ देखेंगे।